मुनि वल्लभाधीश की जय। गुसाई जी परम दयालु की जय। श्याम सुंदर श्री मुने महारानी की जय। श्री राज धरण की जय। श्रीनाथ प्यारे की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सब वैष्णवों को जय श्री कृष्ण। आप श्रवण कर रहे हैं 252 वैष्णव वार्ता। आज 48वां दिवस, भाग 48। वार्ता चल रही है हरिदास बनिया मैणता के। प्रारंभ कर रहे हैं जय श्री कृष्ण। पाछे जयमल जी सो बहन ने कहो, जो देख भाई, तू वैष्णव को अपराध करो तो अब के श्री गोसाई जी तेरे गांव की सीम में हूँ वो के ना पधारे और ही गांव में भई जाते हैं। देख वह धूर उड़त है सो प्रभु द्वारिका जी को पधारे हैं। तो जयमल जी ने अपनी बहन से कहो, जो तू मो सो कहे तो हों श्री गोसाई जी को रथ पाछो फिराऊँ, फिराए मंगाऊँ। तब बहन ने राजा से कही, जो यह काम जोर को नहीं, यह काम है सुदीनता को है। तासो अब जो जब श्री गोसाई जी द्वारिका जी ते पाछे फिरे तब तू दीनता कर के अपने गांव में पधरियो। तब जयमल जी ने बहन से कहो, जो बहुत भले, फिरती बेर अपने गांव में पधराऊंगो। पाछे राजा ने द्वारिका जी सो और मैड़ता सो डाक चौकी बैठाड़ दीनी। जो श्री गोसाई जी जब द्वारिका जी से फिरें और जहाँ जहाँ डेरा होए तहाँ तहाँ की खबर सब मोसो करियो। यह प्रकार डाक चौकी वारेन सो जयमल जी ने कह दई। सो नित्य की खबर जयमल जी पास आवे, श्री गोसाई जी श्री रणछोड़ जी के दर्शन करके फिरे, तब गांव गांव के डेरान की खबर जयमल जी पास आए वो करी। तब राजा प्रभु को अपने गांव के निकट पधारे जान एक मनुष्य हरिदास बनिया को बुलाएवे को उठायो। सो हरिदास आए के राजा के दरबार में ठाड़े रहे। तब वह जयमल जी हरिदास के हाथ पकड़ के एकांत ठोर ले जाए। राजा जयमल जी हरदास से विनती की, आज श्री गोसाई जी के डेरा अमू के गांव में है, तासे काल आपन यहाँ से छलकें प्रभु के दूसरे दिन दर्शन करें, अपने गांव में डेरा करवाइए। पर जो तुम मेरा अपराध क्षमा करके मेरे ऊपर दया करके मुँह को अपने साथ लेके प्रभु को दर्शन कराओ, जो तुम्हारी कृपा ते हम कृतार्थ होंगे। तुम वैष्णव हो तासो हम ऊपर यह कृपा अवश्य करो। यह प्रकार जयमल जी ने हरिदास से बहुत ही विनती करी। तब हरिदास राजा को शुद्ध भाव जान कृपा करके प्रसन्न हो गए। राजा से कहो, जो अच्छी बात है। तब दूसरे दिन हरिदास को साथ ले राजा बाहर गांव के आयो। जब श्री गोसाई जी की खबर निकट बहुत ही पधारी की सुनी, तब जा मार्ग होए के प्रभु प्रथम पधारे हते, ता मार्ग में जाए ठाड़ो हो रहो। पाछे श्री गोसाई जी ने जयमल जी की फौज देखी, तब काहू सो पूछो, जो यह फौज कौन की है। तब वहाँ ने श्री गोसाई जी से विनती करी, जो महाराज यह फौज तो मैड़ता के राजा जयमल जी की है। तब वाकई ये वचन सुन के श्री गोसाई जी ने अपनो रथ और ही मार्ग को हाँक्यो। तब जयमल जी ता मार्ग में हरिदास को साथ ले दौर जाए के श्री गोसाई जी के रथ के आगे राजा जयमल जी लूट गयो। पाछे रथ सारथी ने ठाड़ो राख्यो। तब हरिदास श्री गोसाई जी से धन्यवाद कर बहुत प्रकार से विनती की, जो महाराज ये जयमल जी आपको पधरावन आए हैं, सो दंडवत करवे की विनती करत हैं। तब प्रभु जयमल जी को दंडवत करण की आज्ञा करी। तब हरिदास ने जयमल जी में फिर प्रभु को दंडवत कराई। पाछे जयमल जी ने श्री गोसाई जी से विनती करी, जो महाराज धन्य भाग्य हरिदास के हैं, वे आपकी शरण है। आप या के प्रभु गोलोक अधिपति कहावत हो, मैं तो महाअज्ञान हूँ। मैं तो हरिदास पर अति मंद बुद्धि ठानी अति, पर जाके माथे आप सारे के प्रभु विराजत हो, तासो जीव की गति कौन प्रकार बाधक करे। ताते महाराज अब तो हों आपकी शरण हूँ, आपकी इच्छा में आवे सो मेरो करो। पर एक बार तो मुँह को आप यहाँ ही कृपा करके नाम सुनाए के पाछे मेरे गांव में पधारिए, ये कृपा मेरे ऊपर करिए। यह प्रकार जयमल जी राजा ने श्री गोसाई जी सो बहुत विनती करी। तब श्री गोसाई जी वाको शुद्ध भाव जान के वाइट और स्नान कराए, नाम सुनायो। पाछे आप श्री गोसाई जी ने रथ फिरायो, सो जयमल जी के गांव में पधार के हरदास बनिया के घर डेरा किए। सो जहाँ सो जयमल जी ने नाम पायो, तहाँ सो जयमल जी प्रभु के रथ के साथ पावन पावन आयो।
पाछे प्रभु की डेरा हरिदास के घर करवाए के राजा अपने घर गयो। ता पाछे राजा जयमल जी ने सगरे गांव में ढिंडोरा पिटाए दियो, जो भाई रे जो कोई श्री गोसाई जी के सेवक ना होएगो सो मेरे गांव में ना रहन पावेगो। सो सब गांव श्री गोसाई जी के पास नाम पायो। पाछे राजा जयमल जी अपनी बहन पुत्रादिक सगरेन को नाम निवेदन करवायो। पाछे श्री गोसाई जी को अपने घर पधराए। तब श्री गोसाई जी राजा को श्री ठाकुर जी को स्वरूप दे पंचामृत स्नान कराए। आप वहाँ ही रसोई कर श्री ठाकुर जी को भोग समर्प के समयानुसार भोग सराय आरती कर अनवसर करवाए। आप भोजन कर विश्राम वहाँ ही करें। पाछे श्री ठाकुर जी की सेवा को प्रकार सर्व राजा ने श्री गोसाई जी से पूछो। सुप्रभु सर्व बतायो। ता पाछे जयमल जी राजा ने केतेक दिन श्री गोसाई जी को मेड़ता में राखे। पाछे श्री गोसाई जी श्री गोकुल पधारण लागे। तब राजा सो प्रभु ये कहो जो तू को पूछनो हो सो हरिदास से पूछियो। तब राजा बहुत प्रसन्न हो श्री गोसाई जी को दंडवत कर बहुत भेंट धर के प्रभु को श्री गोकुल को विदा किए। पाछे श्री गोसाई जी जयमल जी सो विदा हो के हरिदास के घर एक दिन विराजे। ता पाछे श्री गोसाई जी श्री गोकुल को विजय किए। तब सगरों गांव श्री गोसाई जी को पहुँचावन आयो। पाछे सवन को राजा को हरिदास को श्री गोसाई जी घर पठाए। प्रभु आप प्रभु श्री गोकुल को पधारे। भाव प्रकाश यह वार्ता में भगवदीयन को प्रताप श्री गोसाई जी जगत विख्यात प्रकट करे। जो जा गाम में एक हु वैष्णव होए तो काहू समय वह गाम को उद्धार निश्चय होए। ता में संदेह नहीं नाही यह जताया। पाछे केतिक दिन को यह बात समाचार नागजी भट्ट गोदरा के ने सुने। जो जयमल जी सब मेड़ता सहित श्री गोसाई जी के सेवक भए हैं। तब नागजी भट्ट गोदरा ते मेड़ता में आए के जयमल जी पास चाकर रहे। सो नागजी को राजा कारकुन करके केतेक दिन पाछे पृथ्वीपति पातशाह पास पठायो। तब नागजी सो जयमल जी ने कही जो तुम पृथ्वीपति पास जाए हमारो काम करे आओ। तब नागजी राजा को काम कर श्री गोकुल में श्री गोसाई जी पास आए। भेंट बहुत करी दिन एक दो ही प्रभु पास रह के फिर मेड़ता को आए। तब श्री गोसाई जी नागजी को आछी भात विदा किए। सो नागजी मेड़ता आए। जयमल जी राजा को पृथ्वीपति को परवानो दियो। सो जयमल जी नागजी ऊपर बहुत प्रसन्न भए। पाछे जयमल जी आगे नागजी कुल दीवान भए। सो वह जयमल जी राजा बहन के उपदेशों ऐसो वैष्णव भयो। वार्ता प्रसंग दो। और हरिदास बनिया की एक बेटी हती। सो वह बेटी बड़ी भई जब हरिदास सोच करन लागे जो अपनी ज्ञाति में तो को वैष्णव को बालक है नाई जो वाकु दीजिए। ऐसे सोच हरिदास बहुत ही करन लागे पर कोई लड़का कहूँ नजर न आयो। पाछे एक दिन हरिदास अपने पुरोहित को बुलाए वाके साथ अपनी बेटी को दे कछु द्रव्य विवाह को दे। और पुरोहित सो हरिदास ने यह कहो जो पुरोहित जी यह लड़की को तुम ही कहूँ आछो वर घर वर देख के यहाँ ते दूर देश में कहूँ या को विवाह करे आओ। सो पुरोहित एक बार तो वर देखवे को गयो। सो द्वारिका जी के मार्ग में एक बार सो हरिदास की बेटी की सगाई कर। पाछे फिर आए के यहाँ ते वह लड़की को संग ले जाए के वहाँ विवाह करे आयो। पाछे ये सब समाचार वह पुरोहित हरिदास सो कहे जो अमुके गांव में अमुके बनिया के छोरा को त्यारी बेटी की सगाई कर विवाह आछी भात करे आयो। तो हरिदास पुरोहित के वचन सुन चुप कर रहे। पाछे वह पुरोहित को यथाशक्ति दे हरिदास विदा किए। वे हरिदास श्री गोसाई जी के ऐसे कृपापात्र भगवती है सुसगरे गांव सहित राजा जयमल जी को वैष्णव किए। तादिन ते जयमल जी को जो कछु पूछना हो सो हरिदास सो पूछ के काम करते। और राजा जयमल जी वादिन ते श्री हरिदास की बहुत कान मान के डरपत रहतो। वे हरिदास श्री गोसाई जी के ऐसे कृपापात्र भगवती अति ताते इनकी वार्ता कहाँ ताई कहिए। वार्ता प्रसंग 26 यहाँ विश्राम हुए है। और आज की वार्ता को यहीं विश्राम करें। यहाँ ते आगे की वार्ता आप कल श्रवण करेंगे। तो सब वैष्णवन को जय श्री कृष्ण जय श्री राधे श्याम।